हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है फिश प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग। स्टार्टिंग में हम थोड़ा आपको इसके बारे में बताएंगे और उसके बाद 100 प्लस एमसीक्यूज जो हैं वो आज हम लेके आए हैं फिश प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग पर। पहले थोड़ा आप समझिए, हम इसको थोड़ा पहले हम सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो अगर हम सब्जेक्टिव स्टार्ट करें तो देखिए, आप सबसे पहले प्रॉपर स्टेप्स इन हैंडलिंग फ्रेश फिश, क्योंकि फिश को प्रोसेस या प्रिजर्व तभी किया जाता है जब हम एक फिश को पकड़ते हैं। अब फिश को पकड़ लिया, उसके बाद उसको प्रॉपर स्टेप होते हैं, किस तरह से कौन कौन से स्टेप हैं वो हमें जरूरी है। सबसे पहले हमें अवॉइड करना है एक्सपोजिंग द फिश टू सनलाइट, सनलाइट से बचा के रखना है। कीप देम इन ए शेडेड एरिया, हमें ऐसे एरिया में रखना है जहां पे शेड हो, साया हो, धूप ना हो। आइस द फिश इमीडिएटली आफ्टर दे आर कॉट टू लोअर देयर टेम्परेचर, फिश को फौरी तौर पर आइस किया जाए क्योंकि आइस उसके लिए ठीक रहता है। रिमूव द गिल्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स, उसके बाद गिल्स जो है उसको भी रिमूव कर दो और जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है उनको भी रिमूव कर दो। Avoid soaking the fish too long in the water after death, as this easily spoils the fish. तो avoid करो fish को बहुत time fish पानी के अंदर रखने से, क्योंकि उसमें जो fish है वो easily spoil हो जाती है। Use mechanical refrigeration if there are facilities. अगर वहां पे facilities हैं तो आप जरूर mechanical refrigeration का इस्तेमाल करें। ये कुछ proper step थे starting में जो बहुत जरूरी है। उसके बाद हम देखेंगे मेथड्स ऑफ फिश प्रिजर्वेशंस। फिश प्रिजर्वेशंस के मेथड्स कौन कौन से, सबसे पहले है साल्टिंग। क्या है साल्टिंग? साल्ट इज द प्रिजर्वेटिव एजेंट। आप जानते हैं जो साल्ट है एक प्रिजर्वेटिव एजेंट है जो कि यूज्ड टू लेंथन द शेल्फ लाइफ ऑफ फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स, जो कि एक शेल्फ लाइफ जो है फिश की उसको बढ़ाता है और जो फिश प्रोडक्ट है उन तमाम की शेल्फ लाइफ को ये बढ़ाता है साल्ट। This is used in almost all methods of preservation except in icing, refrigeration and freezing. अगर आप फ्रीज कर रहे हैं या रेफ्रिजरेशन में रखे या आइसिंग कर रहे हैं तब आपको ये मेथड का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। There are many different kinds of salt, some being better than other for fish curing. बहुत किस्म के साल्ट होते हैं, अब कुछ जो साल्ट हैं वो बड़े अच्छे होते हैं फिश क्यूरिंग के लिए। However, in island or in outlying places, there is often no choice and whatever is available in the way of salt has to be used, whether it is bought in a shop, prepared on the spot or extracted from the earthen containing salt. और हम आइलैंड की बात करें वहां पे मैटर नहीं करता है, और भी बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पे मैटर नहीं करता है। ये साल्ट कहां से आया, क्या ये साल्ट शॉप से खरीदा गया, चाहे इसको हमने एक्सट्रैक्ट किया किसी कंटेन से, ये मैटर नहीं करता है। A distinction must be made between the two chief techniques of salting. तो salting जो होती है वो wet salting और dry salting, याद रखना। एक होती है wet salting, दूसरी होती है dry salting. आप देखो इस स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं किस तरह से salt किया जा रहा है फिशेस को, ठीक है। अब वेट साल्टिंग क्या होती है? वेट साल्टिंग जो है बिल्कुल ये चीपर है, सस्ती है, सिंस इट रिक्वायर्स लेसर अमाउंट ऑफ साल्ट, बिल्कुल थोड़ा सा साल्ट हमें जरूरत होता है। द प्रिंसिपल इज टू कीप द फिश फॉर ए लॉन्ग टाइम इन ब्राइन, तो हम जो फिश है उसको बहुत टाइम तक रखते हैं। द इक्विपमेंट नीडेड कंसिस्ट ऑफ ए वाटर टाइट ठीक कंटेनर विच कैन बी टिन, ड्रम, कैनोन, बैरल एक्स्ट्रा। जो इक्विपमेंट वहां यूज होते हैं उनमें कंटेनर हो, चाहे टिन हो, ड्रम हो, कैनोन, बैरल हो, वो हम इस्तेमाल करते हैं। टू मेक द ब्राइन वन टेक्स फोर पार्ट ऑफ क्लीन वाटर, सी और फ्रेश वाटर एंड वन पार्ट ऑफ साल्ट। अब ब्राइन जो बनाना पड़ता है इसमें क्या होता है, इसमें सी या फ्रेश वाटर और उसमें थोड़ा सा साल्ट मिक्स करना पड़ता है। If the salt is coarse, it has to be ground or pounded first. अगर salt जो है वो अच्छी तरह से वो रगड़ा हुआ नहीं है तो उसको रगड़ना है पहले, ठीक है ना,
उसके बाद लगाना है. इट इज देन डिजॉल्वड इनटू द वाटर बाय स्टिरिंग विद ए पीस ऑफ वुड. अब जब हम पानी में किसी लोटे में भी पानी डालेंगे, उसमें सॉल्ट डालेंगे, तो किसी भी चीज से हमें क्या करना है, या वुड लकड़ी की पीस से उसको हमने हिलाना है. टू बी गुड द ब्राइन मस्ट फ्लोट ए फिश. तो अच्छा तब रहेगा जो ये फिश है वो फ्लोट करे ब्राइन में. ओके, ये है वेट सॉल्टिंग की बात हो रही है. किसकी बात हो रही है? वेट सॉल्टिंग के बाद. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है, डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ फिश वन यू वांट सॉल्ट. अब कौन सी फिश जो है वो आपको चाहिए, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ड्राई सॉल्टिंग. क्या है? ड्राई सॉल्टिंग. ड्राई सॉल्टिंग जो है, इन दिस मेथड द फिश इज सॉल्टेड बट द जूसेस स्लाइम इन ब्राइन आर अलाउड टू फ्लो अवे. ठीक है, ड्राई साल्ट पहले समझिए आपके ड्राई होता है. ड्राई साल्टिंग कैन बी डन इन ओल्ड कैनोए और ऑन मैट्स लीव्स बॉक्सेस. तो इनमें साल्ट किया जाता है. इन केस द ब्राइन फॉर्मड बाय द फिश जूसेस इन द साल्ट मस्ट बी अलाउड टू रन अवे. ओके, फॉर टू पार्ट्स ऑफ फिश वन नीड्स वन पार्ट ऑफ साल्ट. लेयर ऑफ फिश मस्ट बी सेपरेटेड बाय लेयर ऑफ साल्ट. ओके, इट इज वैल्यूएबल मेथड व्हेन वन हैज नो कंटेनर. तो ये था ड्राई साल्टिंग के बारे में. ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखिए सन ड्राइंग. क्या होता है? सन ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन. ड्राइंग इज द प्रोसेस इन विच मॉइस्चर जो है इज रिमूव्ड बाय एक्सपोजर टू नेचुरल एयर करंट एज ह्यूमिडिटी इज रेगुलेटेड बाय क्लाइमेटिक कंडीशन. ये होता है ड्राई करना. डिहाइड्रेशन क्या होता है? ऐसी प्रोसेस रिमूविंग मॉइस्चर विद द यूज ऑफ मैकेनिकल डिवाइस. क्या यूज होता है? मैकेनिकल डिवाइस. जब मॉइस्चर को रिमूव करते हैं, दैट प्रोवाइड्स आर्टिफिशियल हीट फॉर ड्राइंग. तो इसमें आर्टिफिशियल जो हीट है वो इस्तेमाल होती है. वेरी स्मॉल एंड थिन फिश कैन बी ड्राइड स्ट्रेट अवे इन द सन इफ दे आर ब्रॉट इन अर्ली इनफ इन द मॉर्निंग. अगर आपने सवेरे जल्दी आपने फिश को लाया है, उसके बाद आपने उसको सफाई की है, गिल निकाले हैं, इंटरनल ऑर्गन निकाल के, तो आप डायरेक्ट भी हैं जो छोटी होती है उनको आप डायरेक्ट सन के ऊपर सन के आगे रख सकते हैं. ठीक है, If these conditions are not fit, the fish must be put for one night in brine or dry salted. अगर ऐसा नहीं हो रहा है पॉसिबल, तो आपको ब्राइन सुशी में आपको रखना है या फिर आपको ड्राई साल्ट डाल देना है. ओके, उसके बाद होता है, या आप देख रहे हैं किस तरह से बाहर पड़ी है. ठीक है, सन की जो रेज है वो डायरेक्ट आ रही है, तो इनको ठीक कर रही है. ठीक है, ये कुछ किस तरह से लटकाई हुई है इनके साथ. तो ये कुछ फिगर्स थे जो डिफरेंट स्टेट्स से हमें मिली है. उसके बाद स्मोकिंग. स्मोकिंग क्या होता है? एनी काइंड ऑफ फिश कैन बी स्मोकेड. देयर आर थ्री मेन मेथड्स ऑफ स्मोकिंग: स्मोकिंग एंड रोस्टिंग, हॉट स्मोकिंग, लॉन्ग स्मोकिंग. अब हम स्मोकिंग की बात करेंगे कि किस तरह से फिश को स्मोक किया जाता है. ओके, ऑप्शन यहां पे दिए गए हैं, आप देखो नेक्स्ट क्या होता है. ये देखो किस तरह से स्मोक किया जाता है. ठीक है, देखो ये चार जो आपको दिखाई दे रहे हैं, आपने समझ लिया होगा. देखो जी, स्मोकिंग एंड रोस्टिंग, दिस इज ए सिंपल मेथड फॉर ऑफ प्रिजर्वेशन. ये बिल्कुल सिंपल मेथड है प्रिजर्वेशन का, फॉर कंजप्शन आइदर डायरेक्टली आफ्टर क्यूरिंग और विद इन 12 आवर्स, या डायरेक्टली भी कर सकते हैं या 12 घंटे के बाद भी. और इस स्मोकिंग एंड रोस्टिंग कैन कीप द प्रोडक्ट इन गुड कंडीशन फॉर ए फ्यूचर फॉर फर्दर 12 आवर्स. ओके, फ्रेश अनसॉल्टेड फिश इज पुट और ए वुड और कोकोनट हस्क फायर. तो एक जगह आग जलाई जाती है, आग को थोड़ा दूर रखा जाता है. अब जो आग की जो गर्मी होगी, तो वो गर्मी से वो जो फिश होगी वो आपको ऐसी लगेगी कि ये फिश जो है आधी पक गई है. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्मोकिंग. This should be kept very small and the fish turned over every 5 minutes. In about half an hour, the fish is ready for consumption, or if it is in intention to keep it for a while, it should be put in a aerator container. अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम aerator container का इस्तेमाल कर सकते हैं. Fish can be preserved in this way even in open fishing boats, but the smoking has to be done in a tin or a half truck. Okay? ये है किसके बारे में? ये होगी smoking के बारे में. Okay? हार्ड स्मोकिंग क्या होती है? हार्ड स्मोकिंग होती है
हार्ड स्मोकिंग सिस्टम जो है यूज फॉर इनिशिएट कंजप्शन और टू कीप द फिश फॉर मैक्सिमम 48 आवर्स। तो हार्ड का मतलब है कि आपने बहुत ज्यादा फिश को पका दिया है, पकी है, ठीक है, स्मोक हो गई है, तो इसीलिए आप 24 आवर्स के अंदर आपने खाई तो ठीक है, नहीं खाई तो काम खत्म। स्मार्ट फिश कैन बी साल्टेड फर्स्ट फॉर हाफ एन आवर, सी वेट साल्टिंग। आपने देखिए, आफ्टर साल्टिंग दे आर पुट इन आयरन स्पिट्स एंड ड्राइड इन ए विंडी प्लेसेस आर इन द सन फॉर अनदर हाफ आवर्स। तो उसके बाद हम ये कर सकते हैं, ए फायर ऑफ हार्ड वुड और कोकोनट हस्क इज मेड इन द स्टोव, ओके, एंड वंस इट इज वेल स्टार्टेड इज रेगुलेटेड सो एज टू गिव नो फ्लेम्स। तो ये था लॉन्ग स्मोकिंग क्या होती है। इफ फिश मस्ट बी केप्ट इन ए गुड कंडीशन फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर इंस्टेंस 2 or 3 months और इवन लॉन्गर, इट कैन बी डन बाई स्मोकिंग प्रोवाइडेड द फिश इज नॉट ऑयली। फॉर दिस पर्पज ए स्मॉल क्लोजर शेड मेड ऑफ पॉम लीव्स और अदर लोकल मटीरियल कैन बी यूज्ड। अगर आपको लॉन्ग स्मोकिंग करनी है, इसमें ऐसा होता है कि आप एक छोटा सा शेड लेते हैं जो कि किससे बना हो, स्मॉल क्लोजर शेड मेड ऑफ पॉम लीव्स या फिर और कुछ लोकल मटीरियल जो आप यूज करते हो। द डायमेंशन ऑफ द शेड डिपेंड्स ऑफ कोर्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ फिश। अब जो शेड का जो डायमेंशन होगा वो डिपेंड करेगा कितनी क्वांटिटी है फिश की जो स्मोक करनी है, बट द हाइट शुड इन नो केस बी लेस देन 6 feet, लेकिन हाइट 6 feet से कम नहीं होनी चाहिए। इन दिस शेड रैक्स आर बिल्ट टू हैंग द फिश फ्रॉम और टू ले देम अपॉन। तो वहां पे कुछ रैक्स बनाई जाती हैं ताकि फिश को वहां पे लटकाया जाए। हैंगिंग द फिश ऑन स्पिट्स इन द बेस्ट मेथड, बट दे कैन आल्सो बी लेड ऑन लूजली वोवन मैटिंग। वन कैन स्टार्ट हैंगिंग फिश 3 feet फ्रॉम द बॉटम अबव द रूफ। 3 feet का आपको क्या रखना है, उसके अंदर गैप रखना है जहां से आप उसको करोगे, ठीक है ना। उसके बाद है चिलिंग। चिलिंग क्या होता है, दिस इज ऑब्टेनड बाय कवरिंग द फिश विद लेयर ऑफ आइस। जब आप आइस की लेयर से कवर करोगे फिश को, उसको हम कहते हैं चिलिंग प्रोसेस, ठीक है। हाउएवर आइस अलोन इज नॉट इफेक्टिव फॉर लॉन्ग प्रिजर्वेशन। आप जानते हैं सिर्फ आइस जो है एक अकेली जो है ये लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्वेशन के लिए इफेक्टिव नहीं है, बिकॉज मेल्टिंग वाटर ब्रिंग्स अबाउट ए सॉर्ट ऑफ लीचिंग ऑफ वैल्यूएबल फ्लैश कंटेंट, ओके, व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द फ्लेवर। बट आइस इज इफेक्टिव फॉर शॉर्ट टर्म प्रिजर्वेशन सच एज as is needed to transport landed fish to nearby markets or to canning factories etc. ये है चिलिंग के बारे में। समय की चिलिंग में क्या होता है, ये देखो, ये चिलिंग के कुछ फोटोज आपको दिख रहे हैं। उसके बाद है फ्रीजिंग। This is more effective than chilling. Chilling से जो freezing है ये बड़ा effective है। Freezing is achieved either by using mixture of ice and salt or refrigeration. ठीक है, freezing क्या होता है, हम मिक्सचर यूज करते हैं आइस का, साल्ट का, या हम उसको रिफ्रिजरेट करते हैं। द सब जीरो टेम्परेचर सो ऑब्टेन कीप्स द फिश फ्रोजन थ्रू आउट, ओके, टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। द फ्रोजन फिश इज सब्जेक्ट टू ग्लेजिंग विद वाटर और इट इज रैपिड इन ए कवर ऑफ मॉइस्चर प्रूफ वैक्स पेपर, ठीक है ना। ये हम वैक्स पेपर के से हम उसको जो फिश है उसको हम रैप करते हैं, ऊपर से कवर करते हैं ताकि वो क्या रहे, ठीक ठाक रहे। Glazing is dipping the frozen fish in water so that finally a layer of hard ice. उसके ऊपर हम dip करते हैं पानी के अंदर, ऐसे पानी के अंदर ताकि उसके ऊपर layer ice की आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, freezing, okay? ये आप देख सकते हैं, ये है freezing method. ये कौन सी method है, ये preservation की method है, ठीक है ना। अब है canning. Canning भी बड़ा important है। This is a very effective method though costly. पर थोड़ा कॉस्टली भी है। प्रोडक्ट इज वेरी गुड एंड रिटेन मच ऑफ फ्लेवर। इसमें जो प्रोडक्ट है वो अच्छा रहता है और उसका जो फ्लेवर है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिश को क्लीन किया जाता है, उसके बाद कट किया जाता है टू प्रॉपर बोनलेस पीसेस इन फ्लिटिंग प्लांट्स। द पीस आर देन ब्रिनेड और पिकलेड टू इम्प्रूव टेस्ट, ठीक है। उसके बाद प्रिलिमिनरी कुकिंग इज देन कैरिड आउट। Cooked pieces are then put in cans. तो canning में क्या है? Cans के अंदर pack किया जाता है। Finally, cooking combines sterilization with steam at high temperature at 110 degree Celsius. तो इसमें आपको दिखाना है क्या temperature किया, किस तरह हमने can किया। तो canning जो है अच्छा method है। ये देखो किस तरह से can की है fish को। तो ये आपने कुछ खाई भी होंगी, बहुत सारे बच्चों ने खाई भी होंगी, ठीक है। वो मच्छी के डब्बे आप खाते हो ना, वो प्रिजर्व किए होते हैं ना जो आपको मिलते हैं। फिर है पिकलिंग, फिश का अचार, ठीक है। पिकलिंग की इजी मेथड है फिश प्रिजर्व करने के लिए। पिकल्ड फिश मस्ट बी स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेशन एट नो हायर देन 40 डिग्री सेल्सियस। ये बात याद रखना।
एंड फॉर बेस्ट फ्लेवर मस्ट बी यूज्ड विद इन 4 to 6 weeks. ये भी याद रखना. Only a few species of fish are preserved commercially by pickling, but almost any type of fish may be pickled at home. Okay, refrigerate the fish during all stage of the pickling process. Ingredient to pickled fish: use only fresh, highly quality fish. Water: avoid hard water. It causes off color and flavor. Okay, causes of vinegar. Use distilled white vinegar with an acetic acid content at least 5%. उसके बाद क्या इस्तेमाल किया? Salt, use is high grade pure caning or pickling salt. उसके बाद क्या हमने start किया? Spices, general method for a pre-cooked pickled fish: soak fish in a weak brine. पहला ये है. उसके बाद drain the fish, heavy glass, rock, enamel or plastic container. Rinse the fish in cold water. Combine the following ingredients. ये ingredient जो दिए गए हैं ये आपको combine करने हैं, ठीक है? क्योंकि मेरे पास इतना time तो है नहीं, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर से brief करा रहा हूँ, ठीक है? ये आप देख सकते हैं किस तरह से आपका जो fish का जो है अचार तैयार हो गया. 100 MCQs में पहला जो question आ रहा है आपकी screen के ऊपर वो है, bacteria do cause spoilage in refrigerated products. Bacteria do cause spoilage in refrigerated products. तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं साइक्रोफिलिक, ठीक है ना? साइक्रोफिलिक में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन द लो टेम्परेचर, ठीक है, -22 to +10 degrees Celsius. तो जो बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया कॉज करते हैं स्पॉइलेज का मतलब होता है जो डिटोरेशन जो होती है वहाँ पर फिशेज़ के अंदर, तो वो बैक्टीरिया में वो बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव जनरस से बिलोंग करते हैं, जिसमें और हम बात करें सीडो एल्टेरोमिना जो है, मोरेक्सिला है, साइक्रोबैक्टर है, विब्रू है. तो ये जो बैक्टीरियाज हैं ये जो हैं स्पॉइलेज के स्पॉइलेज करते हैं, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एटीपी ब्रेकडाउन आफ्टर डेथ ऑफ फिश इज़ वन ऑफ द फॉलोइंग. अब जब फिश की डेथ हो जाती है, ठीक है, राइगर मोटस भी उसको हम कहते हैं उस टाइम को, क्योंकि जो उसका जो फिश होती है वो बिल्कुल सख्त हो जाती है, ठीक है ना? तो कौन सी उस टाइम ब्रेक डाउन होती है ना, तो वो क्या होती है, ठीक है ना? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस. क्या आएगा? एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस जो है इसका सही आंसर आएगा. ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है, यहाँ से आपको पिक करना है, ठीक है. क्वेश्चन है कि आप पिक करो, पिक क्या करना है? पिक करना है करेक्ट कॉन्सेप्ट, पिक द करेक्ट स्पॉइलेज बैक्टीरिया. इनमें से आपको बताना है कौन सा बैक्टीरिया जो है जो स्पॉइलेज करता है, जो स्पॉइलेज करने में काम आता है, ठीक है. आप देखो यहाँ पर दिया गया है, बहुत सारे दिए गए हैं, तो आपको बताना है इसका जो सही आंसर है वो क्या है. शिवानीला स्पीशीज, ठीक है ना? शिवानीला स्पीशीज जो है स्पॉइलेज करता है, ये बैक्टीरिया स्पॉइलेज करता है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एग्जांपल ऑफ इंडिजीनियस बैक्टीरिया ऑन फिश इज, हमें बताना है, ऐसी एग्जांपल दिखानी है जो कि इंडिजीनियस बैक्टीरिया हो ऑन फिश इज. कौन सी है इसकी एग्जाम्पल, क्या है इसकी एग्जाम्पल? है वी पैरा हिमोलाइटिकस जो है इसका सही आंसर है. ATP breakdown after death of fish is one of the following. अभी मैंने बताया ये enzymatic hydrolysis है, sorry double हो गया. Ratio of ice to water in order to make chilled sea water for fish preservation. जब हम fish preservation करते हैं तो आपको ये बताना है ratio क्या होना चाहिए ice to water. तो इसका जो answer आएगा वो आएगा 1:1. क्या आएगा? 1:1. Following freezer is used on boarding fishing vessels. कौन सा जो है फ्रीज़र जो हम on boarding fishing vessels इस्तेमाल करते हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो आएगा वर्टिकल फ्रीज़र. क्या आएगा? वर्टिकल फ्रीज़र जो है इसका सही आंसर है. फिर है जी क्विक फ्रीजिंग इज अचीव्ड विन क्रिटिकल जोन इज पासड इन. अब क्विक फ्रीजिंग जो है ये कब होता है? 30 मिनट्स. क्या आएगा? 30 मिनट्स. फिर है जी क्वेश्चन मेजर आइटम इन इंडियन सी फूड एक्सपोर्ट इज. मेजर आइटम कौन सा है सी फूड एक्सपोर्ट इज? ये आएगा फ्रोजन श्रिम्प. क्या आएगा? फ्रोजन श्रिम्प जो है इसका सही आंसर है.
साइज ऑफ द फ्लेक आइस इज, ये आएगा 2 to 3 m, 2 to 3 m जो है इसका आंसर है। ऑन फ्रीजिंग फूड एग्जिबिट एक्सपेंशंस अबाउट, तो है ये 6%। द कूलिंग रेट ऑफ चिल्ड सी वाटर इज, कूलिंग रेट चिल्ड सी वाटर की क्या होती है, इसका आंसर आएगा फास्टर देन आइस, क्या आएगा फास्टर देन आइस। ऑन फ्रीजिंग वाटर एग्जिबिट एक्सपेंशन अबाउट 9%। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिफ्रिजरेशन IIR लोकेटेड एट पेरिस, ठीक है, जो कि ये देखता है रिफ्रिजरेशन को देखता है, ये जो ऐसे इंस्टीट्यूट है जो रिफ्रिजरेशन को देखता है, खासकर फिशेज के रिलेटेड जो भी होती है, ठीक है। टेम्परेचर रेंज ऑफ फिश इन रिफ्रिजरेटेड स्टोरेज, कितना टेम्परेचर रेंज होना चाहिए फिश का जब हम उसको हम फ्रिज के अंदर स्टोरेज करते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4 to 6 degrees Celsius। टेम्परेचर रेंज ऑफ फिश इन आइस स्टोरेज, आइस स्टोरेज की अगर हम बात करें ये आएगा 0 to 1 degree Celsius। टेम्परेचर रेंज ऑफ फिश इन फ्रोजन स्टोरेज, ये आएगा -8 to -20 degree Celsius। ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज ऑफ एयर ब्लास्ट फ्रीजर, इसका आंसर आएगा -35 to -40 degree Celsius। ये क्वेश्चन जो है ये पूरे के पूरे बेस्ड हैं प्रिजर्वेशन पे। द क्वांटिटी ऑफ हीट दैट मस्ट बी सप्लाइड आर रिमूव्ड फ्रॉम ए ग्राम ऑफ सब्सटेंस टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन टेम्परेचर ऑफ 1 degree Celsius इज नोन एज, ऐसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आएगा स्पेसिफिक हीट, क्या आएगा स्पेसिफिक हीट। द बेस्ट मैथड ऑफ हीट रिमूवल फ्रॉम फिश इज, बेस्ट मैथड कौन सा है हीट रिमूवल फ्रॉम फिश इज, यह है फ्रीजिंग, क्या है फ्रीजिंग जो है इसका सही आंसर है। स्टिफनिंग फेस ऑफ फिश मसल सून आफ्टर डेथ इज कॉल्ड और राइगर मोटस कहते हैं, क्या कहते हैं राइगर मोटस, जब जो ही डेथ होती है ना फिश की, तो जो मसल्स होते हैं उनके, जो फिश मसल्स होते हैं ना उनके अंदर क्या कौन सा फेस आता है, स्टिफनिंग का फेस आता है, उसको हम कहते हैं राइगर मोटिस, ठीक है। बल्किंग इज गुड मेथड ऑफ फिश स्टोरेज इन टर्म्स ऑफ, जो बल्किंग है ये गुड मेथड है फिश स्टोरेज का इन टर्म्स ऑफ, अब हमें बताना है किस टर्म्स में, लेबर रिक्वायरमेंट येस, स्पेस रिक्वायरमेंट येस, प्रोडक्ट इमेज येस, ऑल ऑफ द अबो येस, तो इसका आंसर आएगा All of the above. Ideal method of fish storage is in ice is. अब ideal method क्या है, यह है boxing. Boxing जो है यह एक ideal method है of fish storage. कहाँ पे? Ice के अंदर. Fish storage method in which least damage of fish occur. आप बताइए इनमें से कौन सा जो option है जिसमें बहुत कम डैमेज होता है फिश को, वो है शेल्विंग, क्या है शेल्विंग जो है इसका सही आंसर है। टाइप ऑफ आइस विच नीडेड टू बी क्रशेड बिफोर यूज, इसका आंसर क्या आएगा, उसको हम क्या कहते हैं ब्लॉक आइस, क्या कहते हैं ब्लॉक आइस। टाइम टेकन टू फॉर्म ब्लॉक आइस, कितना टाइम लगता है ब्लॉक आइस को बनने में, फॉर्म होने में, 12 से 24 घंटे। कूलेंट हम यूज़ करते हैं ब्लॉक आइस प्लांट के लिए, तो कौन सा कूलेंट जो है हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, तो इसका आंसर आएगा CaCl2 सॉल्यूशन। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ट्रांसपोर्टिंग आइस इन ओपन ट्रक इन ट्रॉपिकल कंडीशंस में रिजल्ट लॉस एज हाई एज, तो इसका आंसर आएगा 25%। मैक्सिमम स्पेस रिक्वायरमेंट ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ आइस मेकर्स, आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, बिन इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा ब्लॉक आइस मशीन, ब्लॉक आइस मशीन। द बेस्ट सूटेड स्टोरिंग फैसिलिटी फॉर 40 to 100 tons ऑफ आइस, बताइए अब इसका आंसर क्या आएगा, सीलो स्टोरेज बेस्ट सूटेड स्टोरिंग फैसिलिटी है 42 अगर हमें 100 टन्स ऑफ आइस। उसके बाद ऑन सेट ऑफ राइगर मोटर्स इज इन लार्ज फिश,
sets slightly slower than the small fish. Onset of rigor mortis in large fish sets slightly slower than the small fish. ये इसका ऑप्शन है. Onset of rigor mortis is in well-fed fish compared to starved fish before death. Set slightly slower. क्या आएगा इसका? Set slightly slower. उसके बाद recommended ratio fish to CSW is. तो इसका जो recommended ratio है वो क्या है? 3:1 and 4:1. Agitator is installed to facilitate proper distribution of temperature in. इसका आंसर क्या आएगा? CSW. RSW is mostly installed in. अब जो RSW है ये mostly कहाँ पे install किया जाता है? इसका आंसर आएगा large fishing vessels. लार्ज, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है RSW. मैंने दो बार बताया RSW. क्या आप जानते हैं RSW क्या होता है? R का मतलब होता है रिफ्रिजरेटेड, S का मतलब होता है सी, W का मतलब होता है वाटर. ठीक है ना, रिफ्रिजरेटेड सी वाटर. तो यहाँ पे क्या है, RSW इज मोस्टली इंस्टॉल्ड इन. अब जो RSW है ये मोस्टली कहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है? लार्ज फिशिंग वेसल्स में. साल्ट कंटेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सी वाटर. अब साल्ट कंटेंट और फ्रीजिंग पॉइंट सी वाटर का कितना होना चाहिए? 3.5% एंड -2 डिग्री सेल्सियस. 3.5% क्या होना चाहिए? साल्ट कंटेंट. और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होना चाहिए? -2 डिग्री सेल्सियस. ओके, उसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ फिश डिपेंड्स ऑन. जो स्पेसिफिक हीट होती है फिश की वो डिपेंड किस पे होती है? वाटर कंटेंट पे भी होती है, फैट कंटेंट पे भी होती है और मिनरल कंटेंट पे भी होती है. तो आएगा ऑल ऑफ दी इबो. ऑन कूलिंग ऑफ फिश स्पेसिफिक हीट विल. और हम कूलिंग की बात करें, स्पेसिफिक हीट क्या होती है? ये डिक्रीज हो जाती है. फिर आज कोफिशंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस इज, ये है -2.07 kcl पर m आवर्स डिग्री सेल्सियस. फिर आज कोफिशंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इज, ये आएगा 0.52 kcl पर m डॉट आवर्स डिग्री सेल्सियस. रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज अनफ्रोजन फिश इज. अब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर अनफ्रोजन फिश की क्या होती है? लेसर देन फ्रोजन फिश. क्या होती है ये? लेसर देन फ्रोजन फिश. हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट और कंडीशन और फेस अंडर विच ए सब्सटेंस एग्जिस्ट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर. तो इसको हम कहते हैं लैटेंट हीट. लैटेंट हीट ऑफ वाटर इज, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा 80 CAL पर ग्राम. ओके, टेम्परेचर फ्रॉम वेयर नो फर्दर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज पॉसिबली कॉल्ड. इसका आंसर क्या आएगा? यूटेक्टिक टेम्परेचर. ठीक है, क्या होता है यूटेक्टिक टेम्परेचर? टेम्परेचर वेयर फ्रॉम वेयर नो फर्दर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज पॉसिबल. ओके, उसको हम कहते हैं यूटेक्टिक टेम्परेचर. During fish freezing, heat removed before reaching 0 degree Celsius is. During fish freezing, heat को रिमूव किया जाता है before reaching 0 degree Celsius is. तो उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा? स्पेसिफिक हीट. क्या बोलते हैं हम? स्पेसिफिक हीट. What is the air velocity in continuous air blast freezer? आप बताइए air velocity कितनी होती है air ब्लास्ट फ्रीजर के अंदर? तो इसका आंसर आएगा 150 to 300 m/s. ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन फ्रीजर इज. अब ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है लिक्विड नाइट्रोजन फ्रीजर का वो कितना
होता है? इसका आंसर क्या आएगा? -196 डिग्री सेल्सियस। आइस इज सिंपली सॉलिड वाटर विच हैज बीन चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट बाई। बड़ा इजी और बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है ये, देखिए फिर आप। आइस जो है सिंपली सॉलिड वाटर है विच हैज बीन चेंज फ्रॉम ए लिक्विड टू सॉलिड स्टेट बाई। ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, तो इसका आंसर आएगा रिमूवल ऑफ लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, रिमूवल ऑफ लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसके बाद लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर डैश डैश, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर कितनी होती है? 334.7 जूल पर ग्राम। ये इसका ऑप्शन है। आइस स्टोरेज इज डैश डैश मेथड, आप बताइए जो आइस स्टोरेज है वो कौन सा मेथड है? ये शॉर्ट टर्म प्रिजर्वेशन मेथड है। आइस स्टोरेज जो है ये शॉर्ट टर्म प्रिजर्वेशन मेथड है, लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन मेथड नहीं है। स्टोरेज लाइफ ऑफ फिश इन आइस, स्टोरेज लाइफ ऑफ फिश इन आइस, इसका आंसर क्या आएगा? नॉन फैटी फिश कीप लॉन्गर देन फैटी फिश, यस। फ्रेश वाटर फिश कीप लॉन्गर देन मरीन फिश, यस। बोथ ए एंड बी जो है इसका सही आंसर है। अमोनिया आल्सो नोन एज रिफ्रिजरेंट, अमोनिया को क्या कहा गया है? रिफ्रिजरेंट, कौन सा रिफ्रिजरेंट कहा गया है? ऑप्शन यहां पे नीचे दिए गए हैं, तो R717 जो है इसका सही आंसर है। रिफ्रिजरेंट विच इज यूज्ड मोस्ट वाइडली, बहुत ज्यादा जो रिफ्रिजरेंट है वो कौन सा इस्तेमाल होता है? वो है अमोनिया। कौन सा है? अमोनिया जो है इसका सही आंसर है। टेम्परेचर ऑफ ड्राई आइस इज, ड्राई आइस का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है? -78.7 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड अमोनिया इज, बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड अमोनिया का कितना? -33 डिग्री सेल्सियस। बड़े इंपॉर्टेंट जो ये क्वेश्चन है, आइए समझ। सूटेबल फ्रीजर फॉर इवन साइज्ड प्रॉन, सूटेबल फ्रीजर फॉर इवन साइज्ड प्रॉन्स, ये है फ्लूइड फ्रीजर। क्या आंसर आएगा इसका? फ्लूइड फ्रीजर। बेल्ट फ्रीजर्स आर यूज्ड इन सी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री फॉर, अब जो बेल्ट फ्रीजर है ये होता है इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग, इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग। ग्लेजिंग इज, ग्लेजिंग क्या है? ग्लेजिंग इज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्रीज डिहाइड्रेशन, सुनना ये है ग्लेजिंग। अब ये जो ग्लेजिंग है ये फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जो फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी है ये प्रिजर्वेशन के अंदर आता है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम प्रिजर्वेशन पढ़ रहे हैं। अभी 3 लेक्चर और आने वाले हैं प्रिजर्वेशन के ऊपर, अभी तो हम फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद भी बहुत कुछ पढ़ना है, फिश कैनिंग पढ़ना है और भी बहुत चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। ग्लेजिंग इज डन विद, अब ग्लेजिंग डन किस तरह होती है, किससे डन होती है? जो ग्लेजिंग होती है इज डन विद कोल्ड वाटर, किसे कहते हैं हम? कोल्ड वाटर से। इमर्शन फ्रीजर्स आर वाइडली यूज्ड इन फिशेज फिशिंग वेसल्स पार्टिकुलरली इन, अब जो इमर्शन फ्रीजर्स होते हैं ये वाइडली यूज होते हैं इन फिशिंग वेसल्स पार्टिकुलरली इन, या ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, तो इसका आंसर आएगा टूना प्रोसेसिंग वेसल्स। किसमें? टूना प्रोसेसिंग वेसल्स। कलरलेस ऑर्डरलेस रिफ्रिजरेंट इज, कलरलेस और ऑर्डरलेस जो रिफ्रिजरेंट कौन सा है? वो है फ्रियॉन। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कंपाउंड यूज्ड इन रिफ्रिजरेशन सिस्टम टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिफ्रिजरेंट, इसका आंसर क्या आएगा? रिसीवर। इन रिफ्रिजरेशन सिस्टम रिफ्रिजरेंट टेक्स हीट एनर्जी फ्रॉम मटेरियल स्टोर्ड इन, तो क्या आएगा? इवापोरेटर। क्या आएगा? इवापोरेटर। मोस्ट ऑफ फिशरमैन प्रेफर्ड विच टाइप ऑफ आइस टेक इन फिशिंग वेसल्स ड्यूरिंग फिशिंग इन सी, तो इसका आंसर क्या आएगा? ब्लॉक आइस। ब्लॉक आइस इसका सही आंसर आएगा। ओके, स्टोरेज ऑफ आइस, अब जो आइस स्टोरेज है ये सिलो स्टोरेज, यस। बिन स्टोरेज, यस। ब्लॉक आइस स्टोरेज, यस। यह आएगा ऑल ऑफ दी इबो। ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ RSW आवर आइसिंग, तो क्या आएगा?
आर एस डब्ल्यू क्या हो गया, रिफ्रिजरेशन इन सी वाटर. ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या है आर एस डब्ल्यू की, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ब्लॉक आइस. यहाँ पे ऑप्शन दिए नीचे दिए गए हैं, इसका आंसर आएगा केयर ऑफ हैंडलिंग यस, स्टोरेज ऑफ ऑन बोर्ड यस, सेविंग ऑफ लेबर यस. तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दी एबो. उसके बाद चिलिंग ऑफ फिश फ्रेश वाटर, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है. चिलिंग ऑफ फिश फास्टर विद, चिलिंग ऑफ फिश फास्टर विद, ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन आएगा रिफ्रिजरेटेड सी वाटर, आर एस डब्ल्यू, चिलिंग ऑफ फिश फास्टर विद. डेंसिटी ऑफ आइस, आइस की डेंसिटी 0.92 ग्राम पर मिलीलीटर, याद रखना ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है. जिसने भी ये वीडियो देखा ना उसको ज़रूर फ़ायदा होगा, ठीक है. हालांकि मैं बड़ा जल्दी से कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश पूरी तरह नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इजी क्वेश्चन, इसलिए मैं समझा नहीं रहा हूँ. टू डिफरेंट स्टेज इन क्रिस्टलाइजेशन आर, अब दो डिफरेंट स्टेज क्या हो सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन के, एक होता है न्यूक्लिएशन, एक होता है क्रिस्टल ग्रोथ, ठीक. क्योंकि हमें बहुत सिलेबस बाकी है, टाइम बड़ा कम है. द प्रोसेस इन विच चेंज द स्टेट ऑफ वाटर फ्राम सॉलिड टू वेपर विदाउट मेल्टिंग ऑफ आइस इज कॉल्ड, ये आपने सिक्स में पढ़ा होगा, सेवन्थ में पढ़ा होगा, एट्थ में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी इंसान भूल जाता है, इसलिए याद रखो सब्लिमेशन कहते हैं इसी प्रोसेस को. द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग स्टार्ट एट टेम्परेचर कॉल्ड, जिस प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग स्टार्ट, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा सिक्स सेवन्थ में. क्रायोजेनिक टेम्परेचर, क्या बोलते हैं, क्रायोजेनिक टेम्परेचर, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है. फ्रीजिंग ऑफ वाटर बिगन्स एट टेम्परेचर, जो फ्रीजिंग ऑफ वाटर है ये कौन से किस टेम्परेचर पे ये बिगन होता है, बिलो ज़ीरो डिग्री सेल्सियस, क्या आएगा, बिलो ज़ीरो डिग्री सेल्सियस. उसके बाद है डैश डैश ऑफ फिश इज मोर डिज़ायरेबल, डैश डैश ऑफ फिश इज मोर डिज़ायरेबल, क्विक फ्रीजिंग, इन स्लो फ्रीजिंग रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ आइस फ्रंट, इसका आंसर आएगा टू आर लेस एमएम पर आवर. टेम्परेचर रेंज इन विच मैक्सिमम आइस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, टेम्परेचर रेंज इन विच मैक्सिमम आइस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, कितना इजी क्वेश्चन है ये, -1 to -5 डिग्री सेल्सियस, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक. स्लो फ्रीजिंग कैन रिजल्ट, जो स्लो फ्रीजिंग है वो क्या रिजल्ट देती है, इंक्रीज ड्रिप लॉस यस, न्यूट्रिशनल लॉस यस, टेक्सचरल डैमेज यस, ऑल ऑफ दी अबो यस, पूरा आएगा ऑल ऑफ दी अबो. उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जो लिक्विड नाइट्रोजन फ्रीजर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन फ्रीजर्स को हम क्या कहते हैं, क्रायोजेनिक फ्रीजर्स, क्या बोलते हैं हम, क्रायोजेनिक फ्रीजर्स, ये भी आप थोड़ा इसको फिर रिमाइंड करना, ठीक है. द टाइम टेकन टू लोअर द टेम्परेचर ऑफ फिश फ्रॉम -1 degree Celsius to -5 degree Celsius इज नोन एज, तो इसका आंसर क्या आएगा, थर्मल अरेस्ट पीरियड आ सकता है क्या, यस. जोन ऑफ मैक्सिमम आइस क्रिस्टलाइजेशन, नो, आएगा यस, ये भी आएगा. ग्लास ट्रांसमिशन फेस, नो, ये दो आएंगे, ठीक है, इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी. मेथड ऑफ स्टोरिंग फिश इन आइस आर, कौन सा मेथड होता है जो हम स्टोर करते हैं फिश को आइस के अंदर, बल्किंग, शेल्विंग, बॉक्सिंग, यस, बल्किंग भी, बॉक्सिंग भी, शेल्विंग भी, तो ऑल ऑफ दी एबो आएगा. उसके बाद डैश डैश Thawing is cheaper when compared to other methods of thawing frozen fishes. कौन सा thawing जो है वो cheaper है, water thawing. Liquid paste are frozen in. अब जो liquid paste है ice to frozen fish is called, उसको हम क्या कहते हैं, liquid paste are frozen in.
ड्रम फ्रीजर, क्या बोलते हैं हम, ड्रम फ्रीजर। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल यूज इफेक्टिवली टू कंट्रोल ड्रिप लॉस? विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल यूज इफेक्टिवली टू कंट्रोल ड्रिप लॉस? तो इसका आंसर क्या आएगा, पॉलीफॉस्फेट। रिफ्रिजरेटिंग सी वाटर नॉट रिकमेंडेड फॉर श्रिम्प बिकॉज? अभी श्रिम्प के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता है RSW, क्यों नहीं किया जाता है, क्या वजह है? एक्सेस साल्ट इनटेक, यस। ब्लीचिंग ऑफ नेचर कलर, यस। तो बोथ ए एंड बी आएगा। क्रायो प्रोटेक्टेंट इज, जो क्रायो प्रोटेक्टेंट है वो क्या है? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम क्रायो इंजरी टू द सेल, यस। टू मिनिमाइज क्रायो इंजरी टू द सेल, यस। बोथ ए एंड बी। एक्सटेंडर इज, एक्सटेंडर क्या है? जो एक्सटेंडर होता है ये सॉल्यूशन ऑफ बैलेंस साल्ट, सॉल्यूशन ऑफ बैलेंस साल्ट को हम एक्सटेंडर कहते हैं। इंपॉर्टेंट एडिटिव्स यूज्ड फॉर द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ फिश, इंपॉर्टेंट एडिटिव्स यूज्ड फॉर द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ फिश, ये क्या है, पॉलीफॉस्फेट। क्या है ये, पॉलीफॉस्फेट। विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर मोर रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग, ये है ग्राम पॉजिटिव। फ्लक्चुएशन ऑफ स्टोरेज टेम्परेचर मे काज डेसिसिएशन, लॉस ऑफ वेट एंड क्वालिटी रिजल्ट इन, तो इसका आंसर क्या आएगा, फ्रीजिंग, फ्रीजर बर्न। ठीक है, फ्रीजर बर्न जो है इसका सही आंसर है। द मोस्ट मॉडर्न मैथड ऑफ फिश प्रिजर्वेशन इज, अब मोस्ट जो मॉडर्न मेथड है फिश प्रिजर्वेशन का वो क्या है, आप बता सकते हैं? बिल्कुल जी, फ्रीजिंग मेथड जो है इसका सही आंसर है। डैश डैश इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए वेल डिफाइंड सॉलिड फेस फ्रॉम लिक्विड और सॉल्यूशन, तो इसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं हम, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, एट -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर गेट कन्वर्टेड टू आइस, तो है अबाउट 85%। ठीक है ना, केमिकल चेंज विच ओकर्स ड्यूरिंग फ्रीजिंग एंड स्टोरेज ऑफ फ्रोजन प्रोडक्ट्स आर, केमिकल चेंज क्या आती है, ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाता है। प्रोटीन डिनेचुरेशन होता है, डिसकोलोरेशन भी होती है, फैट ऑक्सीडेशन भी होती है, तो आएगा आंसर ऑल ऑफ दी इबो। मेजर फिजिकल चेंज इन फिश एसोसिएटेड विद फ्रोजन स्टोरेज, अब मेजर फिजिकल चेंज क्या है, यह है रिक्रिस्टलाइजेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन जो है इसका आंसर है। वीरेसिटाइल फ्रीजर्स, जो वीरेसिटाइल फ्रीजर होते हैं वो क्या होते हैं, वो एयर ब्लास्ट फ्रीजर होते हैं, क्या होते हैं, एयर ब्लास्ट फ्रीजर होते हैं। डैश डैश इज ए कंडीशन अटेंड बाई लिक्विड वेयर इट्स टेम्परेचर इज लोअर टू बिलो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट विदाउट क्रिस्टलाइजेशन टेक प्लेस, तो इसका आंसर क्या आएगा, सुपर कूलिंग क्या होता है, सुपर कूलिंग इज ए कंडीशन अटेंड बाई लिक्विड वेयर इट्स टेम्परेचर इज लोअर टू बिलो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट विदाउट क्रिस्टलाइजेशन टेक प्लेस। अब क्या है, इन क्विक फ्रीजिंग रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ आइस फ्रंट, यह है 2 or less mm per hour। इन रैपिड फ्रीजिंग रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ आइस फ्रंट, इन रैपिड फ्रीजिंग रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ आइस फ्रंट, ये क्या आएगा, 30 to 100 mm per h। तो ये था आज के आपके 100 MCQs, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसलिए हमने डिस्कस किए। जो आज के थे ये थे फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी पे, ठीक है ना, और जो फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी होती है उस पर 100 क्वेश्चन लाए क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन चांस हैं पूछने के, इसलिए। उसके बाद नेक्स्ट हम लाएंगे आपके लिए फ़िश कैनिंग, क्या लाएंगे, फ़िश कैनिंग टेक्नोलॉजी, और फ़िश कैनिंग टेक्नोलॉजी पे भी 100 क्वेश्चन मैं आपके लिए लाऊंगा। और फ़िश कैनिंग जब ख़त्म हो जाएगा उसी के साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए फ़िश पैकिंग टेक्नोलॉजी वो भी लेके आऊं। फ़िश पैकिंग टेक्नोलॉजी के बाद जो आपके लिए वीडियो होगा वो होगा
बड़ा आपका जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है फिश प्रोडक्ट्स एंड वैल्यू एडिशन। तो ये तीन चार टॉपिक जो हैं अगर आप देखोगे तो आपका 100% जो है वो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है।